हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देसी शराब दुकान की खुली लॉटरी, जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक ने निकाली पर्चियां। पाली आबकारी विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर मंगलवार को देसी शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई। सवेरे जिला परिषद सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी, जिला कलेक्टर अंशदीप, अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र चौधरी, आबकारी विभाग अधिकारी संग्राम सिंह की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ पर्चियां निकालकर शराब की दुकानें आवंटित की गई। जिला आबकारी अधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कि मंगलवार को जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में 11 देसी शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई। 16 दुकानों के लिए 11 स्थानों के आवेदन आए थे, जिसको देखते हुए पूर्ण पारदर्शिता रख लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की गई। आज हमारी जो लॉटरी हुई है, इसमें कुल 16 दुकानें जो हमारी शेष रह गई थी उन पर हमने एप्लीकेशन मांगी थी, लेकिन हमारे पास कुल 11 दुकानों के लिए एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें से एक दुकान को छोड़ के बाकी पर एक से अधिक आई थी, जिन पर के लॉटरी हुई है। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी, जिसमें कि माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं, माननीय एसपी साहब उसके मेंबर होते हैं और तीसरे मेंबर जिला आबकारी अधिकारी होते हैं, और इस कमेटी के सामने निष्पक्ष रूप से आज सफल आवेदकों की घोषणा की गई, जो कि प्रक्रिया के आपने स्वयं इसके साक्षी बने हैं। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता से हुई, किसी ने भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं दिखाई। देसी मदिरा या ये सभी दुकानें देशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें थी, यानी कि कंपोजिट मदिरा का अर्थ है गांव की वो दुकानें जहां पर देसी और अंग्रेजी शराब दोनों मिलती। जागरूक टीवी के लिए पाली से खास रिपोर्ट।